हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए अगले 40 डेज़ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए नेक्स्ट 40 डेज़ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखोगे ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। देखें जरा आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, क्या है आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, कितना कंपैटिबिलिटी है आप दोनों में, और गाइडेंस भी लेंगे हम। आइए जानते हैं उनकी फीलिंग क्या है इस वक्त। ये मैं एक कार्ड ले रही हूँ उनकी फीलिंग के लिए और ये एक कार्ड ले रही हूँ आपकी फीलिंग और एनर्जी के लिए। तो ये देखते हैं मकर राशि वालों की पार्टनर की एनर्जी कैसी है। वाओ, देखिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में है वो, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों से वो गुजर रहे हैं जिसमें उनको कंपटीशन की एक भावना उनके मन के अंदर आ गई है, यानी उनको लग रहा है कि अब मैं ही सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। और थोड़ा सा एक उनके मिजाज में एक थोड़ी सी मैं देख रही हूँ कि एक तलखी है, एक थोड़ी सी गर्मी है, यानी कि बहुत ज़्यादा फायरी उनका नेचर इस वक्त हो रहा है, पर वो लाइफ में बहुत आगे बढ़े, ऐसा कैसे आगे बढ़े ऐसा ही वो सोच रहे हैं। आपको लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस वक्त आपके पार्टनर। तो ऐसी एनर्जी मुझे उनकी यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं आपकी एनर्जी और आपके थॉट्स क्या हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। आप दोनों की एनर्जीज ना लगभग एक जैसी हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही आप सोच रहे हैं, यानी कि अपने अपने लव लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके, अपने चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग ना बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्शियस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, चीज़ें जो एक तरफ स्टक हो गई थी ना उनको आगे ले जाने की सोच रहे हैं। ऐसी मुझे फीलिंग आप दोनों की यहाँ नज़र आ रही। आप दोनों का इस वक्त सेम नेचर हो रहा है, मतलब चीज़ों को पा लेना, एक दूसरे को पा लेना, किसी भी तरीके से ये रिश्ता ना टूटे ना छूटे ऐसा प्रयास करते हुए आप दोनों ही मुझे नज़र आ रहे हैं। दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेम मुझे यहाँ नज़र आ रही, यानी थोड़ा फायरी फायरी तो हैं आप लोग, लेकिन एक दूसरे से तालमेल मुझे यहाँ बहुत अच्छा बैठता हुआ नज़र आ रहा है मकर राशि वालों। ओके, चलिए देखते हैं कि आप दोनों की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। देखिए बहुत ही ऐसा बहुत कम होता है जो नेचर एक जैसा मिले, फीलिंग्स एक जैसी हों या एनर्जी एक जैसी हो। आप दोनों की एनर्जी इस वक्त है कि बस अब कुछ कर गुजरना है, यानी कि बहुत सोच लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब किसी ना किसी एक फैसले पे आप लोग आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ एक ठोस फैसला मुझे यहाँ लेते हुए नज़र आ रहा है। लाइफ में क्या चेंज आ रहा है ये देखते हैं मकर राशि वाले। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ हो रहा है, उसके लिए बहुत सॉरी, मेरे नेबर्स में कहीं कुछ काम चल रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा गाइस। मकर राशि वाले देखिए क्या चेंज आ रहा है लाइफ में। मैंने आपसे कहा ही है कि ये एक एक्शन का टाइम है, कुछ करना चाहते हैं आप लोग, कुछ एक निर्णय पे पहुंच जाना चाहते हैं। बहुत हो गई रोक टोक, बहुत सोच लिया, बहुत विचार कर लिया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख लिया, लोगों को देख लिया, लेकिन अब आपको लगता है कि जो कुछ भी करना है हमें ही करना है, अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए और स्पेशली अपने प्यार के लिए। अब आपको किसी से भी हेल्प की कोई एक होता ना कि आप एक मन में होता है कि चलो यार ये भी हमारी हेल्प कर देगा, वो भी हमारी हेल्प कर देगा, कोई हेल्प कर दे तो अच्छा लगता है, लेकिन अब आप लोग इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं कि अब आप लोगों को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप लोग अपने सारे कामों को खुद करना चाहते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को एक मजबूती देते हुए आप दोनों ही मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके प्यार में, और जो भी चीज़ें आप लोगों को हर्ट कर रही थी वो मिल के बैठ के आप लोग उसको शॉर्ट आउट करने वाले हैं, यानी कि उन चीज़ों को हटाने वाले हैं। वो जो भी चीज़ों में जहाँ पे भी आप लोगों का मन नहीं मिल रहा था उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरिटी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन
भी कपल के बीच में एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं था, एक सॉलिड कमिटमेंट मुझे आपको यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहा है, नई शुरुआत मिलते हुए नज़र आ रही है, लाइफ में कुछ नया आने वाला है, कुछ बढ़िया चेंज आने वाला है, एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा एक ना एक फायरी नेचर के साथ, मतलब कि नहीं अब तो बस बहुत हो गया वो वाले नेचर इस वक्त आप दोनों की फीलिंग ऐसी मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइज। तो चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ आप लोग लेने वाले हैं और बहुत प्रैक्टिकल होकर आगे चलने वाले हैं। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, अब ऐसा हो जाता, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब आप जो भी कुछ करना है आप दोनों को खुद ही करना है, ऐसा मुझे यहाँ चेंज भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप दोनों की एनर्जी इस वक्त जो है बहुत सेम है, चीज़ों को बैठ के आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को कुछ एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ एक ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि इस रिश्ते में एक कहते हैं ना जैसे इंगेजमेंट कर ली या शादी की तारीख तय कर ली, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कितनी कंपैटिबिलिटी है आप दोनों में, एक दूसरे को कितना समझते हैं आइए जानते हैं। मकर राशि वाले, जाहिर सी बात है जब इस समय फीलिंग और एनर्जी एक जैसी है तो कंपैटिबिलिटी भी अच्छी ही आनी चाहिए। लेट्स चेक, अरे अपने आप ही कार्ड निकल के आ गया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट पे हैं आप लोग, बहुत ही एक दूसरे को समझते हैं, आँख के इशारे से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मन की भाषा पढ़ लेते हैं। मतलब कहते हैं ना कि उस तुमने कहा भी नहीं और मैंने समझ लिया, उस तरह की कंपैटिबिलिटी आपके अंदर एक बहुत सॉलिड कंपैटिबिलिटी है। मतलब एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझते हैं कि लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि एक दूसरे की बात इतना कैसे समझ लेते हैं। कभी कभी तो आप दोनों को भी ऐसा कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि उनका कुछ खाने का मन कर रहा होता होगा तो आपका भी वही चीज़ खाने का मन कर रहा होता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि उनको पर्टिकुलर कुछ चाहिए होता होगा तो आपको भी वही चाहिए होता। मतलब कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सामंजस्य और बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ, बहुत शुभता और बहुत ज़्यादा एक सौभाग्य मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, यानी अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ। ये पार्टनर, ये जो भी पार्टनर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पार्टनर आपके लिए बहुत शुभ और बहुत लकी होने जा रहा है। आपका समय बदलने जा रहा है, एक खूबसूरत समय शुरू होने जा रहा है और एक कहते हैं ना कि जो भी काम आपके रुके हुए थे वो सारे काम आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखते हैं कि क्या आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो नहीं है। देखते हैं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है जो आप में आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड हो। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। नहीं देखिए, बहुत क्लियर और बहुत ही साफ साफ पूरी रीडिंग आपकी निकल के आई है कि एक दूसरे को बहुत समझते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जब एक दूसरे से आप मिलते हैं ना तो बहुत अच्छी एनर्जी में आ जाते हैं। अगर कहीं मूड ऑफ हो भी रखा होता है, कुछ हुआ हुआ भी होता है, तो भी आप लोगों की एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है एक दूसरे को देख के। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि अगर साइड में कोई भी है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई आपको अगर चाहता है, आपको पसंद करता है, हो सकता है आपके पार्टनर को कोई पसंद करता है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई है भी नहीं, और अगर होगा भी तो भी आपके रिश्ते में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों एक दूसरे में ही बिल्कुल लीन है, एकदम बिल्कुल लीन है, कोई मतलब नहीं है किसी बाहरी किसी भी पर्सन से। तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, नहीं ना आपकी तरफ से है ना आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही है। उल्टा मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि एक दूसरे को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी। ओके, अब एक गाइडेंस ले लेते हैं, एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए मकर राशि वालों, कि टैरो आपको क्या गाइड कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स निकला है, यहाँ सेवन ऑफ कप्स निकला है, राइट। यानी कि अगले नेक्स्ट 40 डेज के लिए, ये आपको मैं एक गाइडेंस के रूप में बता रही हूँ, कार्ड आपसे कह रहे हैं एक बहुत प्रेजेंस यहाँ अच्छी एनर्जी की, वो एनर्जी आपसे कहना चाहती है कि किसी भी चीज़ को लेके कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। आपका रिश्ता एकदम क्लियर है, एकदम सॉलिड है, जब तक आप नहीं चाहें
इस रिश्ते में कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता है। और अगर आपको कुछ अगर ऐसा अंदेशा भी हो रहा है या अगर ऐसा कुछ आपको फील भी हो रहा है कि यार कहीं तो मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई और तो नहीं है या कुछ भी इस तरह से, तो ऐसा कोई डाउट मत रखिएगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि इस रिश्ते में कोई भी नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता है। जगह ही नहीं छोड़ी ना आप दोनों ने, बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल सैंडविच की तरह चिपके हुए एक दूसरे से। कुछ कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी का कुछ मतलब ही नहीं है। तो कार्ड भी आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कन्फ्यूजन अपने माइंड में मत पालिएगा, चीज़ें एकदम क्लियर हैं और क्लियरिटी आती जाएगी इस रिश्ते में, और भी ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी, ऐसा कार्ड यहाँ बता रहे हैं। जो चीज़ें भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, ये नेक्स्ट 40 डेज़ में देखिएगा आपके रिश्ते में और भी निखार आएगा, और भी खूबसूरत होगा ये रिश्ता। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, मेरी बहुत 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 गुड लक है आपको, बहुत बेस्ट विशेज हैं आपके साथ कि ये रिश्ता बहुत फूले और बहुत फले और आप लोग किसी सॉलिड कमिटमेंट में, किसी अच्छे रिश्ते में, अभी नहीं तो कभी ना कभी आगे चल के एक हो जाए, ऐसा मैं आपको विश करती हूँ। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।